बजट घोषणा के बाद पहली बार तिवरी पहुंचे विधायक भैराराम सियोल का ग्रामीणों ने माल्यार्पण व पुष्प वर्षा से किया स्वागत। सियोल ने किया रोड शो। तिवरी में 132 केवी जीएसएस जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय की बजट घोषणा व बजट रिप्लाई में तिवरी कस्बे को ग्राम पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत करने की घोषणा के बाद पहली बार तिवरी पहुंचे विधायक भैराराम सियोल व बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह भाटी उमयनगर का कस्बे वासियों की जनता ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कस्बे के मथानिया चौराहे से मुख्य मार्केट में वाहन रैली के साथ रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान कस्बे की जनता ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके व फूल मालाओं से स्वागत किया। इससे पूर्व विधायक सियोल ने कस्बे वासियों द्वारा पंचायत समिति सभागार में आयोजित आभार सभा में शिरकत की। आभार सभा में पहुंचे विधायक सियोल का प्रधान नीलम भाटिया, उप सरपंच संतोष कुमार शर्मा, भूराराम भाटिया, बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष पूनम चंद दादीच, पन्नालाल शर्मा, पंचायत समिति सदस्य मुकेश प्रजापत, उप प्रधान खेमाराम बाना सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक सियोल ने विधानसभा क्षेत्र को प्रथम बजट में सौगात देने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। जनता को संबोधित करते हुए सियोल ने कहा कि विधानसभा में पिछले 5 सालों में कांग्रेस की विधायक थी, उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं करके भाईचारा खत्म किया और भेदभाव की राजनीति की, लेकिन मेरी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण मारवाड़ का विकास करवाना है। भाजपा सरकार का यह सत्ताकाल नहीं, यह सेवाकाल है। जो काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के विधायक नहीं करवा पाए वे हमारी सरकार ने पिछले 6 महीनों के भीतर कर दिए। सियोल ने कहा कि तिवरी को नगर पालिका बनाने की मांग यहां के नागरिक पिछले 5 सालों से कर रहे थे, पिछली सरकार ने ग्रामीणों की वाजिब मांग को पूरी नहीं की। सियोल ने यह भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता तिवरी ओसियां सहित पूरे मारवाड़ में पूर्वी राजस्थान की तरह योजना बनवा कर खेती के लिए नहर पानी लाने की है और यह मुद्दा मैंने विधानसभा के पटल पर भी रखा है। 40 मिनट में आपकी ये विधानसभा में घोषणा हुई है।